दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरके नारायण की एक नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंग्लिश टीचर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी नोवेल है, ये मालगुड़ी डेज का पार्ट है जो आरके नारायण ने अपनी नोवेल्स लिखी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये भी उसी का पार्ट है। ये दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये नोवेल आरके नारायण ने अपनी वाइफ राजम को डेडिकेट की है जो उनकी डेथ हो गई थी, और कृष्णा नाम की एक इंग्लिश टीचर की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आरके नारायण की बाकी नोवेल्स की तरह इस नोवेल की सेटिंग भी रखी गई है मालगुड़ी में। मालगुड़ी में एक एल्बर्ट मिशन कॉलेज है, उसके हॉस्टल से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक कृष्णा नाम के कॉलेज प्रोफेसर की कहानी है ये। कृष्णा नाम के आदमी से इस कहानी की शुरुआत होती है जो कभी खुद इस कॉलेज में पढ़ा करता था और आज इस कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका है, लेक्चरर बन चुका है। ये अपने स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है, लेकिन प्रोफेसर बनने के बाद ये बहुत ही थकाऊ उबाऊ और बोरिंग ज़िंदगी जी रहा है, अपनी फैमिली से दूर रहता है। यहाँ पर ये लिटरेचर में कुछ टॉपिक्स को रिपीट कर करके थक गया है। इसको लगता है ये अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ा रहा है और पढ़ाने में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं ले पाता। यहाँ ये लिटरेचर पढ़ाता तो है, लेकिन इसको अपनी पोएम्स लिखने का, खुद की पोएम्स लिखने का, अपनी क्रिएशन लिखने का टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई करवाने में ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बस जा कर के कॉलेज में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी है, क्लास ख़त्म होने का वेट करना है, घंटी बजने का इंतज़ार करना है, और वहाँ से आ जाता है। ये खुद मानता है कि मेरी लाइफ उस गाय की तरह, उस काऊ की तरह है जो बस घास को चबाती रहती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, इसके अपने तरीके हैं। और दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी पे इतना विश्वास नहीं करता, बल्कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ढलना चाहता है, जो इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कोशिश करता है कि वेस्टर्न लहजे से बात करूं, वेस्टर्न तरीके से रहूं, ऐसा कुछ। पॉइट बनना सपना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करता है। दोस्तों ऐसे ही कृष्णा की बोरिंग लाइफ चल रही थी, फिर ये अपने मिडिल एज में पहुँच गया। इसको बड़ा अकेला अकेला फील होता है, अपनी लविंग फैमिली से दूर है, अपनी वाइफ सुशीला और अपनी एक छोटी सी बेटी है लीला, उनको बड़ा मिस करता है ये। इसकी फैमिली से ये दूर रहता है। तो एक दिन इसके घर से इसके फादर का एक लेटर आता है इसके पास में। इसके फादर ने लेटर में लिखा कि मैं तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बीवी को और बेटी को तुम्हारे पास रहने के लिए भेज रहा हूँ मालगुड़ी में, और उनके साथ तुम्हारी माँ भी आ रही है। अब कृष्णा को अपने फादर का ये लेटर पढ़कर कुछ हद तक खुशी मिली, कम से कम कुछ हद तक खुशी मिली। इसकी वाइफ सुशीला का नेचर इससे बहुत अलग है। वो एक इंडियन वुमन जो होती है, उसकी सारी क्वालिटीज़ है उसके अंदर। वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करती है, कल्चर्स को फॉलो करती है, मतलब सब चीज़ों में विश्वास है उसको। जबकि कृष्णा सपने देखता है और प्रैक्टिकल लाइफ से हमेशा दूर रहता है। जबकि इसकी वाइफ सुशीला वो कॉमन सेंस चलाती है अपनी और प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करती है। कृष्णा की छोटी छोटी मिस्टेक्स को वो सही करती है। इससे इन दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो मजबूत होता जाता है। लेकिन जब इसकी फैमिली इसके घर से इसके पास रहने आ गई, तो ये घर इनके लिए छोटा पड़ रहा था, क्योंकि पहले तो कृष्णा अकेला रह लेता था इसमें, लेकिन अब नया घर ढूंढना पड़ेगा। अब नए घर की तलाश करने लगे ये लोग, जगह जगह गए, देखने गए, अपने दोस्तों से मिले। अब उस दौरान घर की तलाश करते हुए एक घर में, एक बाथरूम में सुशीला को किसी कीड़े ने काट लिया, और वो कीड़े की काटने की वजह से वो बीमार पड़ गई। अब ये कोई छोटी मोटी बीमारी तो थी नहीं, बल्कि टाइफाइड था, बढ़कर टाइफाइड बन गया। अब कृष्णा ने सोचा कि ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन सुशीला इस बीमारी से रिकवर नहीं कर पाई। इसी बीमारी के चलते वो एक दिन गुजर गई। अब अपनी ज़िंदगी की एक खुशी अपनी वाइफ में जो देखता था, वो उसकी डेथ की वजह से उसकी लाइफ पटरी से उतर गई। झटका सा लगा उसे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था वो। बार बार उसके दिमाग में ये ख्याल आते थे कि मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ में इसका मन नहीं लग रहा था, मतलब खट्टा सा हो गया था इसका मन। लेकिन जब जब सुसाइड की बात इसके दिमाग में आती थी, तब तब इसको अपनी बेटी लीला का ख्याल आता था कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। तो इसने अपनी पूरी लाइफ उसी के लिए जीने का फैसला कर लिया, और इसकी बेटी लीला इसकी दुनिया का सेंटर पार्ट बन गई। तो अब एक दिन इसको एक लेटर मिलता है, जिससे इसको पता चलता है कि इसकी वाइफ सुशीला की आत्मा, उसकी स्पिरिट इससे बात करना चाहती है। तो इसकी उम्मीद जाग जाती है। इसको पहले तो ये आत्माओं से बात करने, इन सब पर भरोसा नहीं था, लेकिन
ये एक उम्मीद थी जिसके रास्ते वो अपनी वाइफ से कम एक बार बात कर सकता था। तो इसके ज़रिए उसने अपनी वाइफ से कम वाइफ की स्पिरिट से एक बार बात की, तो उसे बहुत खुशी मिली। एक तरह से वो चार्ज मिल गया, वो चार्ज हो गया अपनी लाइफ में। फिर वो एक स्कूल में इंटरव्यू देने गया जहाँ उसकी बेटी लीला पढ़ती थी। उस स्कूल का हेडमास्टर जो था बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, तो वो कृष्णा जैसा ही कैरेक्टर था। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्ट लेता था, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था, और लाइफ को लेकर उसका आउटलुक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। दरअसल इस हेडमास्टर के लिए भी एक एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की थी, इसकी डेथ की भविष्यवाणी की, इस दिन तुम मर जाओगे, लेकिन वो सच साबित नहीं हुई। अब दोस्तों इस हेडमास्टर के संपर्क में आने के बाद में, इस स्कूल में पढ़ाने के बाद में, कृष्णा ने खुद को बहुत हद तक बदल लिया था, और हेडमास्टर भी उससे बड़ा खुश था कि वो अपने काम में इतना इंटरेस्ट ले रहा है बच्चों के लिए। कृष्णा ने अपने कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी और अब वो बस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। वैसे दोस्तों कृष्णा की जॉब उस टाइम पर बहुत अच्छी खासी थी स्कूल में, वो 100 रुपये पर पढ़ाता था, मतलब उसकी सैलरी थी 100 रुपये, तो उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उसको छोड़ दिया उसने। अब वो डायरेक्टली अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात कर सकता था, मतलब इस नोवेल की एंड में फर्स्ट टाइम उसने खुद से अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात की। दोस्तों ये नोवेल बहुत ही छोटी सी है, यहाँ पर ये नोवेल ख़त्म होती है। मैंने आपको बताया कि ये आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। एक टाइम पर आर के नारायण खुद एक इंग्लिश टीचर थे, और वो माना जाता है कि अपनी इस टीचर की जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और ये भी कहा जाता है कि आर के नारायण अपनी वाइफ की डेथ के बाद में उनकी स्पिरिट से बात करते थे। तो बहुत हद तक इस नोवेल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट शामिल है। आई होप आपको ये नोवेल पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।